दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक राजधानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये शहर सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि एक फीलिंग है। ये शहर अपनी तहजीब और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लखनऊ भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से भी एक है। देश के किसी अन्य शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पर शिया मुस्लिम रहते हैं। ये भारत का ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे सरकारी रूप से लगे हुए हैं। एक सर्वे के अनुसार लखनऊ भारत का दूसरा सबसे खुश रहने वाला शहर भी है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं जनाब। लगभग 631 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले लखनऊ शहर की आबादी 37,65,000 के करीब है। लखनऊ शहर को कुल 4 तहसीलों में बांटा गया है, लखनऊ, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब। धार्मिक दृष्टिकोण से शहर में 75% हिंदू, 23% मुस्लिम और बाकी 2% में अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। लखनऊ शहर की साक्षरता दर 83% की है, जिससे साफ पता चलता है कि लखनऊ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। लखनऊ में तशरीफ लाइए, पहले आप, आपकी मर्जी, फरमाइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ और सब ठीक तो है, अमा यार अजीब आदमी है आप, फेमस डायलॉग्स हैं। कानपुर के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ का सिटी मोंटेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। लखनऊ शहर के अंदर इस स्कूल के लगभग 17 कैंपस मौजूद हैं, जिसमें लगभग 70,000 के करीब छात्र पढ़ते हैं। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी, KGMU मेडिकल कॉलेज, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, इंटेग्रल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। लखनऊ शहर का घंटाघर मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में स्थित ये घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। नवाब नसरुद्दीन हैदर ने 1870 में इसका निर्माण करवाया था और तब से आज तक इसकी सुई आज तक नहीं रुकी। इतिहास बताता है लखनऊ कभी कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अवध नरेश श्री राम ने भाई लक्ष्मण को इस भूमि को भेंट करते हुए इसे नया नाम दिया लक्ष्मणपुरा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार 12वीं सदी के राजा लाखन की पत्नी के नाम पर इसका नाम पड़ा लखनावती। 18वीं शताब्दी में जब इसे अवध की राजधानी के रूप में चुना गया तब इसका पुनः नामकरण हुआ और वो नाम था लखनऊ। लखनऊ रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में कुल 10 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। चारबाग, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग जंक्शन, लखनऊ सिटी, डालीगंज, मानक नगर, गोमती नगर, बादशाह नगर, मोहिबुल्लापुर, ट्रांसपोर्ट नगर और आलमनगर रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। लखनऊ में कुल 4 बस स्टैंड हैं, कैसरबाग, आलमबाग बस स्टैंड, गोमती नगर और चारबाग बस स्टैंड। लखनऊ शहर के मौसी इलाके में बना चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। लखनऊ शहर अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है और पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ कई चीजें मौजूद हैं। इसीलिए इस सुंदर से शहर को लाखों लोग देश विदेश से हर साल देखने आते हैं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। लगभग 168 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पार्क 376 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ के चौक इलाके में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा नवाबी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इसका निर्माण नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया था। इसकी भूल भुलैया में 2000 रास्ते मौजूद हैं। चिड़ियाघर लखनऊ के कैसरबाग इलाके में मौजूद चिड़ियाघर भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। 72 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर की स्थापना 1921 में हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको लखनऊ का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं आप किस शहर से हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।